सोमनाथ मंदिर के नीचे निकली बुद्ध गुफाएं। वायुसेना के साथ गद्दारी करते पकड़े गए शर्मा पर गरमाया सोशल मीडिया। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता के घर से अवैध शराब का कारोबार। यूपी में एक बार फिर 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा नहीं भराया गैस सिलेंडर। 3 लाख किसानों से की जाएगी सम्मान निधि की वसूली। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग समाज ने लगाए कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ नारे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का फूंका पुतला। अमरनाथ मर गया रे, शिवराज सिंह मर गया रे, शर्मा मर गया रे, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। श्रीलंका में पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रम सिंधे को फिर से दिलाई प्रधानमंत्री पद की शपथ। अभी हालात सुधरने के आसार नहीं। आसिफ साची ने किया प्रेम विवाह। आसिफ का घर तोड़ा जाना। आसिफ खान की दुकान और मकान को बुलडोजर से किया चकनाचूर। बिना सिर वाले सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर हुई वायरल। सामने आई सच्चाई तो लोगों के उड़े होश। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, आज मैं इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहा हूं। विस्तार से आपको बताऊंगा कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसमें आज की वो महत्वपूर्ण खबरें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड बटन दबाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ताजमहल के 22 कमरों के खोलने के मामले में याचिकाकर्ताओं को फटकार लगाई है और याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि ताजमहल के बंद कमरों में हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियां कैद हैं। इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है यह तो याचिकाकर्ता जाने या जांच करने के बाद पुरातत्व विभाग ही बता सकता है। लेकिन साथियों, आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूं उसे जानकर जरूर आपके होश उड़ जाएंगे और सोचेंगे आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां साथियों, मैं बात कर रहा हूं हिंदुओं के सुप्रसिद्ध मंदिर सोमनाथ की। यहां ताजा मामला यह सामने आया है कि इस मंदिर के नीचे बुद्ध गुफाएं होने की बात प्रमाणित हुई है। आपको बता दें, यह बात मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं बल्कि IIT गांधीनगर के छात्रों और पुरातत्व विभाग की टीम ने करीब 1 साल की मेहनत करने के बाद इसके प्रमाण एकत्रित किए हैं। इस खबर को नवभारत टाइम्स अखबार ने भी छापा है। तो साथियों, एक तरफ देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाई जा रही है और एक के बाद एक शहरों के नाम बदले जा रहे हैं, स्टेशनों के नाम बदले जा रहे हैं और दावा करते आते हैं। अब तो यहाँ तक पहुंच गया है कि ताजमहल भी पहले कोई शिवालय था यानी शिव का मंदिर था। लेकिन जब ये सच्चाई इस सोमनाथ मंदिर की सामने आई, इसको जानने के बाद भक्त क्या जवाब देंगे ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप सोचिए, जो सावन का अंधा होता है उसे हरा ही हरा दिखाई देता है। जिस प्रकार से दूसरे धर्म के बुद्ध विहारों को, मंदिरों को छुपाकर इन्होंने जो कीर्तमान रचा है, शायद इसीलिए इन भक्तों को हर बिल्डिंग में कोई मंदिर दिखाई देता है। साथियों, आप क्या कहना चाहोगे इस मामले पर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथियों, अब बात करते हैं वायुसेना के साथ गद्दारी करते पकड़े गए देवेंद्र शर्मा की। यह खबर सामने आते ही सोशल मीडिया पर तमाम लोगों ने कथित देशभक्तों की जमकर धज्जियां उड़ा दी हैं और लोग पूछ रहे हैं। इसी क्रम में अशोक भारती लिखते हैं कि वायुसेना के साथ गद्दारी करते पकड़े गए शर्मा, धिक्कार है पंडित जी, कम से कम ब्राह्मण कुल की तो चिंता होती। साथियों, एक अकेला ऐसा पोस्ट नहीं है, तमाम लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और जो देवेंद्र शर्मा है उसको टारगेट करते हुए पूछ रहे हैं कि आखिर अब वो लोग कहाँ गए। जो लोग कपड़ों से आतंकवादियों की पहचान कर लेते वो लोग आज कहाँ हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा नेता के घर से अवैध शराब का कारोबार होने का मामला भी सामने आया है। साथियों, आपको बता दें, कानपुर देहात के खपरेव गांव में एक जनरल स्टोर से देसी शराब बेचे जाने की सूचना यूपी डायल 112 नंबर पर पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष व उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया।
जो कि जनरल स्टोर पर अवैध रूप से देसी शराब बेच रहे थे। इस दौरान पुलिस ने भाजपा के मंडल अध्यक्ष के पास से एक पेटी अवैध देसी शराब भी बरामद की। कोई भी नेता अवैध कारोबार में पाया जाता है और वह बीजेपी से ताल्लुक रखता है तो उसको राजनीतिक संरक्षण न मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी हुआ है। आपको बता दें, मामला सत्ता पक्ष से जुड़े होने की वजह से पुलिस भी पीछे हटती दिखाई दी। जहां आरोपी मंडल अध्यक्ष को पुलिस ने छोड़ दिया तो वहीं उसके बेटे के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी जी की पुलिस किस प्रकार से कार्रवाई करती है। एक तरफ जहां हत्या और बलात्कार जैसे मामलों में उत्तर प्रदेश की पुलिस पीछे नहीं हटती है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं, भाजपा कार्यकर्ताओं का अवैध कारोबार में लिप्त होने पर उन्हें आसानी से छोड़ दिया जाता है। योगी सरकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए कि आखिर प्रदेश में ये दोहरी नीति क्यों। साथ ही आपको बता दें, अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी है। यूपी के बांदा जिले से 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत की खबर सामने आई है। जी हां साथियों, 3 नाबालिग बहनें खेत की रखवाली कर रही थी, इसी दौरान तालाब में पानी भरने जाते समय रास्ते में 2 युवकों ने 3 बहनों को झोंपड़ी में ले जाकर दुष्कर्म किया और मौके से फरार हो गए। बहनों की चीख पुकार के बाद ग्रामीण वहां पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को घेरते हुए लिखा है कि यूपी में भाजपा सरकार रैप प्रदेश बना यूपी, निरंतर बढ़ रही नृशंस वारदातें, बेटियों को सुरक्षा देने में फेल मुख्यमंत्री। बांदा और ललितपुर में 3 नाबालिगों के साथ हैवानियत की विचलित कर देने वाली घटनाओं ने कानून व्यवस्था को किया बेपर्दा, हैवानों को मिले कठोरतम सजा। तो साथियों, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से लगातार कई जिलों से एक के बाद एक संगीन अपराधों की खबरें सामने आती रहती हैं और योगी सरकार के कामों में जू तक नहीं रेंगता है। मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना पूर्ण तरीके से हुई फेल। जी हां साथियों, आपको बता दें कि इस योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन हो चुके हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले साल वित्त वर्ष में केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी सिलेंडर लेने वाले 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भराया है। जी हां साथियों, 90 लाख लाभार्थियों ने दोबारा सिलेंडर नहीं भराया है। केवल इतना ही नहीं साथियों, करीब 1 करोड़ लाभार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने केवल एलपीजी कनेक्शन लेने के बाद साल में एक बार ही सिलेंडर को भरवाया है। यह स्थिति तब है जब हाल ही में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश चुनावों के बाद भाजपा ने यह दावा किया कि लाभार्थियों ने बड़ी संख्या में उसे वोट किया है। यह महत्वपूर्ण जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौर की ओर से दाखिल की गई आरटीआई में हुआ है, जिसमें उन्होंने 3 सरकारी तेल वितरण कंपनियों जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम लिमिटेड से जानकारी मांगी थी। इसी आरटीआई के बाद यह जानकारी सामने आई है। तो साथ ही आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जिसे अपने भाषणों पर प्रमुखता से कहते हैं कि देश की महिलाओं को इससे काफी फायदा हुआ है, उन्हें आत्मसम्मान की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हें चूल्हे पर धुआं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, ये तमाम दावे इस आरटीआई के जानकारी आने के बाद ध्वस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी रुकिए साथियों, इतना ही नहीं, एक और खबर प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई आई है कि 3 लाख किसानों से की जाएगी सम्मान निधि की वसूली। जी हां साथियों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जो सम्मान निधि किसानों को दे जा रही थी अब तक और इसे चुनाव में काफी अहमता से भुनाया गया और किसानों से कहा गया कि ये किसानों की आर्थिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, तो साथ ही इसकी सच्चाई क्या है ये भी आप जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव हो चुके हैं, फिलहाल अन्य राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं है, तो फिर देर किस बात की। यूपी की योगी सरकार ने लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी जी के कहे अनुसार आपदा में अवसर का फॉर्मूला अपना लिया है। जी हाँ, योगी सरकार को चुनाव होने के बाद जानकारी मिली है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वालों में करीब 3,10,000 किसान फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे। जी हाँ साथियों, जानकारी कब मिली है, चुनाव होने के बाद। चुनाव तक कोई जरूरत नहीं थी कि कितने फर्जी हैं और कितने सही तरीके से
इस योजना का लाभ ले रहे हैं। खबरों के मुताबिक फर्जी किसानों की पहचान भी कर ली गई है। सरकार ऐसे सभी अपात्र लोगों से दी गई राशि की वसूली करेगी। अपात्र लाभार्थी ऑनलाइन पोर्टल पर मिली धनराशि स्वेच्छा से भी वापस कर सकते हैं। वसूली के संबंध में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कृषि निदेशक सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपात्र किसानों से वसूली करके केंद्र सरकार के खाते में धनराशि जमा कराई जाए। सोचिए साथियों, सरकार वोट के लिए कितना गिर सकती है। योगी सरकार खुद कह रही है कि यूपी में घोटाला हुआ है, अपात्र लोगों को किसान सम्मान निधि का फायदा पहुंचा है। माना कि किसानों से सरकार रिकवरी कर लेगी, लेकिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई होगी जिन्होंने गरीब किसानों का खून चूसकर लाखों करोड़ों रुपए कमाए होंगे और कमाए हैं, और अब इन्हीं रुपयों को वापसी के नाम पर आगे भी कमाएंगे। सीएम योगी साहब, आपको इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि देश की आम जनता आपसे ये सवाल जरूर करेगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में पिछड़ा वर्ग समाज को आरक्षण नहीं मिल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार की घोर लापरवाही सामने आई है, जिसके चलते एमपी के ओबीसी समाज में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के खिलाफ काफी नाराजगी है। लोग सड़कों पर उतरकर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि क्या इतना सब होने के बाद भी पिछड़ा वर्ग समाज को कांग्रेस बीजेपी से कोई उम्मीद रखना चाहिए? क्या कांग्रेस बीजेपी पिछड़े वर्ग समाज की हितेशी है? अगर बीजेपी हकीकत में पिछड़े वर्ग समाज की हितेशी होती तो मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय में वो सबूत जरूर पेश करती जिसके आधार पर पिछड़े वर्ग समाज को आरक्षण मिलता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिलहाल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोभ लुभावने वादे कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम पिछड़े वर्ग समाज को 27% आरक्षण देंगे टिकटों में। अब उनमें से कितने जीतते हैं एक ये अलग बात है, लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि बासी रोटी में खुदा के बाप का क्या। जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी ओबीसी समाज की, पिछड़े वर्ग समाज की, वो अपनी ताकत के दम पर, अपनी एकता के दम पर वैसे ही चुनाव जीत जाएंगे। और अगर आपको पार्टी में आरक्षण देना ही है तो आप 27% ही आरक्षण क्यों दे रहे हैं, जबकि ओबीसी या पिछड़े वर्ग समाज की जनसंख्या इस देश में लगभग 60% है। तो आप दीजिए ना 60%, और मुझे पता है इस 27% में भी आप उन जगह पर इन्हें टिकट देंगे जहां पर आपके सामान्य सीट वालों को फायदा होगा। आप उन सीटों पर इनको टिकट देंगे जहां पर पहले से ही इनका वर्चस्व है, पिछड़े वर्ग समाज के वोटर ज्यादा हैं। तो आप नहीं दीजिए वहां पर आरक्षण, फिर भी वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन आप इसमें भावाई क्यों लूट रहे हैं? और ये बात पिछड़े वर्ग समाज को जरूर समझना चाहिए। और इस वीडियो को भी मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों दोस्तों में शेयर जरूर करें और इस बीजेपी कांग्रेस की काली सच्चाई को हर जन जन तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन पिछड़े वर्ग के भाइयों से मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप कब तक कांग्रेस और बीजेपी में अपना विकल्प देखते रहोगे? इसके अलावा और भी पार्टी हैं, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, जितनी भी बहुसंख्यक कम्युनिटी की पार्टियां हैं उनका साथ दो, क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। जैसे किसी फाइनेंस कंपनी की टाइमलाइन है कि अपना घर अपना ही होता है, इसी प्रकार अपनी पार्टी अपनी ही होती है। जब जब इनको मौका लगता है तो ये अपनी ब्राह्मणवादी सोच को उजागर कर देते हैं, और कहावत भी है कि घोटू हमेशा पेट की तरफ ही झुकता है। ऐसा ही कुछ हुआ है मध्य प्रदेश में, शायद इसीलिए आज पिछड़े वर्ग समाज को ये सब कुछ देखना पड़ रहा है, और पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री होते हुए भी आज पूर्ण रूप से राजनीति में आरक्षण समाप्त हो चुका है। श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है उसे पूरी दुनिया जानती है, किस तरह से वहां के लोगों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रियों को खदेड़कर उनके घरों में आग लगा दी जा रही है। इसी बीच श्रीलंका में पूर्व प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे को फिर से दिलाई प्रधानमंत्री पद की शपथ, लेकिन फिलहाल अभी वहां के हालात सुधरने के आसार नहीं है।
क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के भाई गोटाबाया राजपक्षे अभी भी देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं और बढ़ते हुए विरोध के बावजूद भी सत्ता छोड़ने को तैयार नहीं है। कोलंबो के एक मजिस्ट्रेट ने महिंद्रा राजपक्षे के परिवार समेत 13 लोगों के ऊपर देश से बाहर न जाने का ट्रेवल बैन भी लगा दिया है। मध्य प्रदेश में मोहब्बत करने वाले आसिफ और साची को शिवराज की नफरती सरकार ने आसिफ के घर और दुकान को तोड़ने का इनाम दिया है। जी हां साथियों, आसिफ और साची को नहीं पता था कि एक दूसरे से मोहब्बत करने का उन्हें यह इनाम मिलेगा। समाज उनके प्यार को स्वीकार नहीं करेगा। साथियों आपको बता दें, आसिफ मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं और जबकि साची हिंदू हैं। इन्होंने आपस में कोर्ट मैरिज कर ली है। इसी घटना को लेकर 8 अप्रैल को मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में प्रशासन ने आसिफ के घर को गैर कानूनी बताते हुए तोड़ दिया है और मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के कलेक्टर ने ट्वीट करके बताया था कि छात्र के अपहरण के मामले में अभियुक्त आसिफ खान की दुकान और मकान को ढाया गया है। 2 दिनों तक अभियुक्त आसिफ खान की दुकानों सहित उसके अवैध मकान पर कार्रवाई की गई है। साथियों यहाँ पर अचंभे वाली बात यह है कि जो जिले का कलेक्टर होता है वो क्या इतना भी उसको जानकारी नहीं होती है कि मतलब शादी का मामला क्या होता है, अपहरण का मामला क्या होता है, और जब जिसको अपराधी बनाया गया उसके घर पर बुलडोजर चलाई गई तो क्या तमाम पुलिस या अन्य विभाग ने, पुलिस और अधिकारियों ने इस मामले की छानबीन नहीं की गई? क्या केवल एक विशेष समुदाय को देखकर घर को ढाया गया? ये इस मामले में कुछ पेचीदा सवाल हैं जो वहाँ के शासन प्रशासन से लोग पूछ रहे हैं और पूछे भी जाने चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इसको जवाब भी देना चाहिए कि आखिर एक जाति विशेष और विशेष धर्म विशेष के नाम पर कब तक आप ये तानाशाही कार्रवाई करते रहेंगे। लगता है नेता से लेकर आला अधिकारी यहाँ पर सभी धर्म का चश्मा पहने हुए हैं। प्रशासन को बिना छानबीन किए किसी के घर को बर्बाद करने का क्या हक है? शिवराज सरकार इसका जवाब दे, प्रदेश की जनता आपसे जवाब मांग रही है। साथियों आज एक और रोचक खबर भी सामने आई है। एक फोटो है जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। इसमें एक सिक्योरिटी गार्ड होता है, जिसमें खास बात ये होती है कि उस सिक्योरिटी गार्ड का सिर नहीं दिखाई देता है, केवल उसका धड़ धड़ दिखाई देता है। क्या है पूरा मामला, आइए जल्दी से इसको भी जान लेते हैं। बिना सिर वाले सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब सच्चाई सामने आई तो लोग अपना सर पकड़ने लगे। आपको बता दें ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो कोई बिना सिर वाला गार्ड नहीं बल्कि ऑप्टिकल इल्यूजन है। जी हां साथियों, ऑप्टिकल इल्यूजन। इस प्रक्रिया में कोई भी आसानी से भ्रमित हो सकता है और ऐसे इल्यूजन्स की इंटरनेट पर भरमार है। अब एक सिक्योरिटी गार्ड की एक तस्वीर आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर देगी, तो आइए जानते हैं क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही बिना सिर वाले सिक्योरिटी गार्ड की इस फोटो की सच्चाई। आपको बता दें बंद दुकान के सामने कुर्सी पर बैठा गार्ड दिख रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस फोटो में शख्स का सिर नहीं दिखाई दे रहा है। आप भी हो गए ना इसे देखकर कंफ्यूज। आपको बता दें कि आप अकेले नहीं हैं जो इस तस्वीर को देखकर भ्रमित हो रहे हैं। तस्वीर के पीछे के रहस्य को समझने में लोगों को काफी समय लगा। बाद में पता चला कि गार्ड तो झपकी ले रहा था और इसी बीच उसका सिर बहुत ज्यादा पीछे चला गया था, जो तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है। यही तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। तो साथियों ये थी आज की वो तमाम बड़ी महत्वपूर्ण खबरें जो आपके लिए जरूरी थी, आपको जानना जरूरी थी, क्योंकि इस भाग दौड़ की जिंदगी में समय आपके पास भी नहीं है। आप प्रत्येक खबर नहीं देख सकते हैं, हम जो खबर लगाते हैं वो भी नहीं देख सकते हैं। तो हमने कोशिश की है कि आपके लिए जरूरी दिन भर की खबरों को एक ही खबर में विस्तृत रूप से दिखाया जाए और हर खबर पर विस्तार से चर्चा भी हो जाए। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे उम्मीद करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।